तो दोस्तों कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। बाकी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको RPM और CPM के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसे कि आपने देखा होगा YT स्टूडियो के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो वहां भी आपको जो है RPM का जो ऑप्शन है वो यहां पे दिखाई देगा। हालांकि ये ऑप्शन जो है पहले से यूट्यूब के अंदर अवेलेबल था, बट यहाँ पर यूट्यूब ने YT स्टूडियो के अंदर भी आपको जो है RPM का ऑप्शन दे दिया है। अब ये किस लिए दिया है और मैं RPM और CPM के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आप इससे अपना जो चैनल है उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले RPM CPM जानने के लिए आपको जो है उसके इंटरफेस में आना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना चैनल ओपन करना है, उसके बाद अपने चैनल का आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है YT स्टूडियो का जो ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो कंटेंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके जितने भी वीडियोस आ जाएंगे उसका जो एनालिटिक्स वाला जो ऑप्शन होता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो की जो एनालिटिक्स है वो आपके सामने हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर RPM और CPM पे अगर चेक करना है तो इसका जो ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं रिवेन्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक RPM और एक CPM। ये यानी कि ये जो आप राइट वाले जो दो ऑप्शन देख रहे हैं रिवेन्यू के, ये पहला वाला है 1.33, ये है आपका RPM, और सेकंड वाला है आपका CPM। अब ये अगर आप चेक करेंगे पर डे के हिसाब से इसी वीडियो का, तो ये चेंज होता रहता है, और हर वीडियो का ये RPM और CPM जो है अलग होता है। यानी कि ये पर डे भी चेंज होता है हर वीडियो का, और जो है सिंगल किसी एक वीडियो का भी अगर आप पर डे के हिसाब से चेक करोगे तो उसका भी RPM CPM जो है चेंज होता रहता है। अब ये चेंज होता किस लिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है RPM और CPM। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं CPM 2.32, ये जो आप देख रहे हैं ये CPM है। यानी कि आज, यानी कि जिस दिन भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन के हिसाब से एडवर्टाइज़र यहाँ पे यूट्यूब को पर 1000 जितने भी व्यू होते हैं, व्यू कह रहा हूँ, मतलब जितने भी वो एडवर्टाइजिंग चलाएंगे यूट्यूब वाले, उसके हिसाब से यहाँ पे एडवर्टाइज़र जो है पे करते हैं यूट्यूब को। यानी कि 2.3 इस दिन के हिसाब से जो है यहाँ पे एडवर्टाइज़र यूट्यूब को पे करेंगे। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे कि यूट्यूब जो है 55% जो है यहाँ पे हमको पे करता है, और 45% जो है अपने पास रख लेता है। तो ये जो आप RPM देख रहे हैं ये आपको इसी हिसाब से जो है यहाँ पर दिया जाता है। CPM जितना ज़्यादा होगा RPM उस हिसाब से जो है हमको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि आपका RPM कितना है। इसीलिए YT स्टूडियो में यहाँ पे जो है YouTube ने अपडेट किया है, क्योंकि काफ़ी लोग सर्च करते हैं कि पर डे के वो पर 1000 व्यू के जो है YouTube हमको कितना पे करता है। तो ये तो थी अप डाउन की बात, बाकी मार्केट कैप्चर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एडवर्टाइज़र जो है पूरा एनालिसिस करते हैं कि कौन सा इवेंट चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, कौन से कीवर्ड जो है ट्रेंड में है। तो ये सब चीज़ें एनालिटिक्स होती है, उसके बाद यहाँ पे पर 1000 के हिसाब से ये डेली अप डाउन ऊपर नीचे होता रहता है आपका RPM और CPM। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि CPM जितना ज़्यादा होगा उसका जितना भी 55% है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा पर 1000 व्यू का। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं 1.42, अगर इसी तरीके से, मतलब मेरी पर 1000 आज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब इस दिन के हिसाब से अगर 1000 व्यू आ जाते हैं तो मुझको इसका सिंपली जो है यहाँ पे 1000 व्यू का जो है 1.42 इस वीडियो से मिल जाएगा। बाकी कल इसका यहाँ पे जैसे आप पर डे के हिसाब से देखेंगे तो इसका चेंज भी हो सकता है अगले दिन, उससे अगले दिन देखेंगे आप जो है डाउन भी हो सकता है। तो ये आपका जो है फिक्स नहीं रहता है, पर डे के हिसाब से चेंज होता रहता है, और आपको मतलब उस दिन के हिसाब से पर 1000 जितने भी आपके व्यू आएंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे। तो आई होप आप अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन होते हैं इसके अंदर जो भी आप कीवर्ड डालते हैं, इसमें कुछ कीवर्ड जैसे कुछ महंगे होते हैं, कुछ आपके कीवर्ड जो है यहाँ पे सस्ते होते हैं। तो अब आपको ये सस्ते और महंगे कीवर्ड आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर कैसे डालने हैं, इसको जानने के लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अपने गूगल एडवर्ड के अकाउंट पे। अगर आपको नहीं पता गूगल एडवर्ड पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करना, कम से कम इस पर 50 लाइक और 50 कमेंट तो आने चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको गूगल एडवर्ड पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ अपने जो गूगल एडवर्ड का अकाउंट है उसके अंदर। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपना दोबारा से गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको जो है गूगल एडवर्ड जो है यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे जो पहले वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं आपको जो है इसके अंदर का जो क्राइटेरिया है वो बताता हूँ आपको। ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पर आपको की टाइप का दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपको कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड इसका ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कोई भी जैसे कीवर्ड आप जो भी कीवर्ड आप सर्च करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि चैनल ग्रो के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको जो है ग्रो को सर्च करके दिखाता हूँ कि इसका जो मार्केट में रेट वगैरह है वो कैसे चल रहा है। तो जैसे कि मैंने ग्रो डाला और नीचे आपको जो है यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद पहली जो लाइन है वो कीवर्ड की है, उसके बाद एवरी मंथली जो सर्चिज़ हैं उसकी लाइन है, तीसरा जो है यहाँ पे कंपटीशन है, उसके बाद यहाँ पे आपको बिड दिखाई देगी, हाई बिड और लो बिड, मतलब आपको यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहे होंगे बिड के हाई और लो वाले। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो एडवर्टाइज़र होते हैं ये मतलब जहाँ भी अपना एडवर्टाइज़ देंगे तो ये आपको बता रहे हैं कि पर क्लिक का जो है मतलब जो उनका ऐड दिखाया जाएगा एक बारी उस हिसाब से जो है यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं। देखिए सबसे लो पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रो का 25 रुपये और हाई देख रहे हैं 120 रुपये। तो आपको यहाँ पे हाई नहीं देखना है, आपको यहाँ पे ये जो लो बिड रेंज है उसको यहाँ पे आपको देखना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है कि एडवर्टाइज़र जो है कहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं उसके हिसाब से ये जो लो और हाई रहता है। तो आपको यहाँ पे लो देखना है कि पर जो क्लिक है या पर एक बारी जो हम एडवर्टाइज़ दिखा रहे हैं वो किस हिसाब से मतलब उसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब जो कंपनी है एडवर्टाइज़र वो किस हिसाब से जो है पे कर दिया है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लो वाली देखनी है। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे एक तो आपको देखनी है यहाँ पे लो रेंज कितनी है कि पर क्लिक का जो है यहाँ पे मिनिमम कितना चार्ज वो जो है यहाँ पे देने को तैयार है एडवर्टाइज़र। एक तो इससे आपको कीवर्ड पे यहाँ पे जब आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो आपको इससे जो है जब उसको कोई वॉच करेगा तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस वीडियो पर जो है हमको इनकम ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखनी है, कंपटीशन। कंपटीशन जैसे आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे कंपटीशन हाई भी दिखेगा और लो भी दिखेगा। तो फिलहाल ग्रो में तो कंपटीशन यहाँ पे लो है। अब लो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं सही से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन जो है सही में सही से जो है मतलब ये जो ग्रो वाला जो कीवर्ड है इसको सही से नहीं लिख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे आपको चैनल ग्रो में भी हेल्प मिलेगी, तो आपको यहाँ पे कंपटीशन देखना है जो भी आप चीज़ें सर्च करते हैं उसके हिसाब से। अगर आप कोई भी टॉपिक वगैरह बनाते हैं तो आपको जो है उसमें सही से उस कीवर्ड का जो है यहाँ पे यूज़ करना है, टाइटल में भी टैग में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये सब चीज़ें थी, आपको यहाँ पर बिड देखनी है कि पर क्लिक एडवर्टाइज़र जो है यहाँ पर कितना यहाँ पर आपको जो है पैसा दे रहे हैं YouTube को या किसी भी एडवर्टाइज़र को। यहाँ पे मतलब आपको जो भी कीवर्ड सर्च करते हैं वो एडवर्टाइजिंग के हिसाब से चेक किया जाता है कि पर एडवर्टाइज़र किस हिसाब से जो है यहाँ से कम यहाँ पे कर रहे हैं कंपनी को। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे RPM CPM ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, चैनल आपको इससे कैसे चैनल आपका इससे जो है कैसे ग्रो करेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।